भारत और नेपाल के बीच कार्गो ट्रेन सेवा का आगाज हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल प्रचंडा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, जिसको लेकर दोनों देशों के बीच उत्साह का माहौल है। अररिया के बतनाहा और नेपाल के विराटनगर के बीच ट्रेन सेवा शुरू होने से पारंपरिक रिश्तों को मजबूती मिली है। इससे पहले मधुबनी के राजनगर से यात्री ट्रेन सेवा का शुभारंभ हो चुका है। भारत और नेपाल के बीच 8 किलोमीटर लंबे ट्रेन सेवा के शुभारंभ के मौके पर फॉरबिसगंज के बतनाहा स्टेशन पर ट्रेन को कुछ इस तरह से हरी झंडी दिखाई गई है। इस मौके पर पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, सांसद प्रदीप सिंह, विधायक विद्यासागर केसरी, मोरंग के सांसद, दोनों देशों के कारोबारी और रेलवे के आला अधिकारी मौजूद रहे। भारत और नेपाल के बीच दिल्ली से वर्चुअल ट्रेन सेवा चलाने पर उत्साह का माहौल है। सामरिक महत्व के इस रूट पर बस सेवा के साथ साथ कार्गो सेवा शुरू होने पर अब कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा। खुशी का तो सीमा नहीं रहेगा, ये सीमा नहीं है, इसलिए कि ये जो दो चीज हम संबंध में बोलेंगे, पहला तो ये जो सहूलियत मिलेगा, इससे जो फायदा मिलेगा, खासकर ये जो सामान ढुआने के लिए वो तो होवे करेगा, लेकिन ये जो फ्रेंडशिप, जो इंडिया और नेपाल का जो फ्रेंडशिप है, ये जो ट्रेन मार्फत और ज़्यादा मजबूत होगा और ज़्यादा गहरा होगा, हम ये समझते हैं। रही बात अभी ये जो क्या बोलते हैं, ये मालवाहक है, कल जाके इसको पब्लिक में ये करेगा तो पैसेंजर में जाएगा तो, और हम आस करते हैं कि ये हो, जिससे कि सीधे नेपाल से इंडिया का, क्योंकि इंडिया और नेपाल का बहुत सारा बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है बहुत तरीके से, तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि ये बहुत इंडिया की तरफ से जो ये पहल किया और आप लोगों ने शुरू किए है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नेपाल मैत्री जो संबंध वो तो प्रगाढ़ होगा ही, साथ साथ यहाँ के जो नेपाल के व्यवसायिक उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, और भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी काफ़ी फायदा पहुंचने वाली है। नहीं लगता है कि पैसेंजर ट्रेनों का भी परिचालन हो? हाँ, ये धीरे धीरे, ये प्रक्रिया है धीरे धीरे, पहले माल गुड्स गुड्स ट्रेन, उसके बाद फिर पैसेंजर, ये प्रक्रिया है, इसलिए हम सभी को मिलकर स्वागत करना चाहिए। आज इसका उद्घाटन समारोह हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नेपाल के प्रचंड जी के द्वारा आज ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह है ये, और मैं इन दोनों को धन्यवाद देता हूँ कि नेपाल और भारत का जो आर्थिक और सामाजिक पारिवारिक रिश्ता है उसको और प्रगाढ़ करने का काम किए हैं। आज के दिन के बाद नेपाल में जो भी रैक जाएगी व्यापारियों के लिए, तो एक तरह से ये सपनों का साकार होने जैसा है, और नेपाल के व्यापारियों को खास करके इसका बहुत ज़्यादा लाभ है।